जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं आपको व्रत में खाने वाला राजगिरे का बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट उपमा बनाकर बताऊंगी। बहुत ही जल्द बनने वाला है ये। आलू है, करी पत्ता, टमाटर और हरी मिर्च ली है मैंने, सबको बारीक बारीक काट लिया है। अब कढ़ाई में तेल रखा है 3 बड़े चम्मच, आप इसको घी में भी बना सकते हैं। अब जीरा डाला है, जीरा डालने के बाद मैंने हरी मिर्ची डाली है और मूंगफली के दाने क्रश करके रख रखे थे उन्हीं को मैंने डाला है और थोड़ा सेक लिया है। उसके बाद अब आलू डाले हैं, करी पत्ते में डालना भूल गई थी इसलिए अब डाले हैं, आप मिर्ची के साथ ही डाल दें। और अब मैंने इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी और ढक कर इसे पकाऊंगी। हमें 1/2 कप पानी डालकर इसे पकाना है। ये मैंने 1 कप राजगिरे का आटा लिया है, इसको मैंने सेक लूँगी इस आटे को। अब लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाला है, आप जो खाते हैं वो मसाला डाल सकते हैं। आप लाल मिर्ची की जगह काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसे ढककर आलू को पकाना है और मसाले को भी साथ में पकाना है, बीच बीच में चलाते रहें। अब हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं आलू पका या नहीं। आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब मैंने जो आटा सेक रखा था वो राजगिरे का डाल रही हूँ। थोड़े पानी में ही डालें ताकि इसमें लम्स न पड़े, गांठें। इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते जाएं और हिलाते जाएं। इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये ज़्यादा ढीला भी ना हो और ना इसमें लम्स पड़े। देखिए आप, ये बहुत ही टेस्टी उपमा बनने वाला है। आप एक बार बना लेंगे तो बार बार इसी को बनाएंगे, ये बहुत ही जल्दी बनने वाला उपमा है। हमें इसको ढककर पकाना है थोड़ी थोड़ी देर में, खोल कर इसे चलाना है। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, इस तरह से हम टमाटर डाल देंगे और वापस थोड़ा ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़ा गल जाए। इस तरह से हमने ये उपमा तैयार किया है। देखिए आप, ये थोड़ा ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। हम इसे दही छाछ के साथ खाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे काजू, करी पत्ता और टमाटर से गार्निश किया है। ये बहुत टेस्टी बना है, आप एक बार ज़रूर बनाएं। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताएँ।